जब इन्होंने अधिकार दिया है तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं का पहले पढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और एक 13 जो पारस जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, पांचवा दरभंगा, छठा पूर्वी चंपारण, सातवां किशनगंज, आठवां कटिहार, नौवां सहरसा, दसवां गोपालगंज, ग्यारहवां बेगूसराय, बारहवां समस्तीपुर, तेरहवां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, पांचवा मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, सातवां सीतामढ़ी, आठवां भागलपुर, नौवां मुंगेर, दसवां नवादा, ग्यारहवां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिल के लड़ेंगे और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। हम सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे विजय चौधरी के। हमने इसीलिए शुरू में ही कह दिया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये प्रश्न पूछिएगा। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। हमने विश्वास में लेंगे कह दिया ना, ये तो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है ना। सैनी ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 2400 चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे। हम विश्वास में लेंगे सबको। चले वो चार सीट पर कौन लड़ेगा, आप या मुकेश सहनी जी? वो अभी आजकल अभी अभी तो विधान परिषद की बात हो रही है तो आप लोग सभा की तरफ कहाँ चले गए? नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, सब हम विश्वास में लेके करेंगे। विश्वास में आने से कहीं कोई नाराज होता है? लूटने की संभावना है सर। सहनी बोल रहे हैं कि 24 सीटों पर लड़ूंगा। और किसी का कोई प्रश्न? समय आने पे कर।